हमने रीडर पे क्लिक किया दैट विल कम ओनली एज अ व्यू, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट. तो यहां पर आप देखिए ऑटोमेटिकली आपके जो बाय डिफॉल्ट की डेट है 4th January 2013 दैट विल कम राइट. आप सिमिलरली जब आप फिर से आप ऑथर लेवल पे जाना चाहते हैं अगेन यू क्लिक ऑन द ऑथर लेवल राइट. यहां पर डिस्प्ले डेट फील्ड है, सिमिलरली यहां पर है डिस्प्ले पेज नंबर. ये सारे बटन्स बने हुए हैं, पेज नंबर जैसे हमने किया ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है 1 of 16. जब आप दो पेज बनाएंगे, यहां पर जैसे हमारे पास अभी 1 पेज ही है, 1 पेज जब हम लोग देंगे इट इज गिविंग पेज 1 of 1. जब हम लोग एक बुक में 2 पेज बनाएंगे तो फिर वो देंगे 1 of 2, सेकेंड वन देंगे 2 of 2, 3 pages 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3. ऑटोमेटिकली इट विल कम, यू डोंट हैव टू प्रोग्राम इट राइट. सो सिमिलरली अगेन वी गो बैक टू द ऑथर लेवल. नाउ देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आर देयर, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक लिस्ट, मार्के आप जानते हो ऐसे लाइन्स में आते हैं. तो सिमिलरली देखो हम लोग PHP में या और कहीं पर भी हम लोग जब मार्के लिखना चाहते हैं तो फिर कितना कुछ हमने प्रोग्रामिंग लिखनी होती है राइट. यहां पर जैसे हमने टेक्स्ट डाल दिया, वेलकम, वेलकम टू दिस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, हम लोग यहां पे ओके कर दिया इसको और लेट अस सी, बाद में हम लोग देखेंगे उसको बॉर्डर कैसे लेस करते हैं. जैसे हमने इसको किया उसके बाद हमने रीडर लेवल पे जैसे देखा सो दिस मार्की विल कम. ठीक है, मार्की के साइज वगैरह, फॉन्ट साइज, कलर एंड ऑल दिस थिंग दैट यू कैन चेंज एनी टाइम राइट. सो ऑटोमेटिकली दिस मार्की विल कम. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट आर अवेलेबल, एनी वन टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हियर अनदर टेक्स्ट इज देयर, वेरियस टेक्स्ट जैसे शेडो टेक्स्ट राइट. सिमिलरली जैसे हमने डेट किया यहां पर टाइम भी है. ठीक है, टाइम फील्ड भी है. जैसे यहां पर टाइम फील्ड आप करते हैं तो जो भी आप जैसे आप व्यू करेंगे सो अभी के जो टाइम है दैट इट विल शो. ठीक है, करंट टाइम एंड करंट डेट. सिमिलरली देयर आर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट. जैसे यहां पर अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट भी है. यहां पर ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या है, जैसे ये है ऑर्डर लिस्ट. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में ले जाती हूँ तो फिर. अच्छा, जैसे हमने बताया था बुक में पेजेस होते हैं, दिस इज 1 पेज. नाउ हाउ टू इंसर्ट ए न्यू पेज, देन यू गो टू द इंसर्ट, देन यू से न्यू पेज. ठीक है, पेज नाम आप दे दीजिए, दिस इज माई P2 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पेज नंबर, देन इट विल कम टू द न्यू पेज. तो न्यू पेज में हम लोग देखते हैं ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप देखिए देयर आर वेरियस लेवल्स आर देयर. आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग कंटेंट्स लिखते हैं टाइटल पेज में, कंटेंट्स लिखते हैं ना नेक्स्ट पेज में टाइटल पेज के बाद, तो फिर हम लोग क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 पे 1.1, 1.1 के नीचे 1.1.1 लाइक दिस. तो हम लोग जैसे इंटेंशन देते हैं, यहां पर इंटेंशन ऑलरेडी बने हुए हैं. ठीक है, इफ यू व्यू दिस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई व्यू, सिंपल हमने कुछ नहीं लिखा अभी, जैसे रीडर ये ऑटोमेटिकली यहां पर इंटेंशन दे रही, 1 के बाद 1, रोमन 1, उसके बाद नंबर 1, उसके बाद ए, सिमिलरली रोमन 2, फिर 1, फिर ए, लाइक दिस. जैसे आप उस लेवल पे लिखते जाओगे ऑटोमेटिकली इट विल शो यू. फॉर एग्जाम्पल मैं इस लेवल पे ये ऑर्डर लिस्ट के बाद मैंने यहां पर कुछ लिख दिया. ठीक है, यहां पर एंटर मार के आना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे आपने कुछ लिखा, अब देखिए 1 के बाद ऑटोमेटिकली 2 आ गया. सिमिलरली इस लेवल के बाद जब आप एंटर मार के यहां पर लिखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2 आ जाएगा. ठीक है, ए के बाद बी, राइट दिस. सो ये आपको इंडेंशन या नंबरिंग, ये आपको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम लोग नंबरिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं.
तो एक एक फील्ड के ऊपर आप बहुत सारे कुछ आप मॉडिफिकेशंस, उसका बॉर्डर्स, उसका कलर्स, उसका फॉन्ट दैट यू कैन चेंज. मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, आपकी बुक्स वगैरह में करने के लिए. तो दिस इज योर टेक्स्ट फील्ड. अनदर इज योर फॉर एग्जाम्पल बटन्स. बटन्स के पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्लेयर देखते हैं. मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर मतलब कुछ भी मीडिया को रन करने के लिए, फ्लैश मीडिया हो सकता है, फ्लैश प्लेयर या वीडियो, या फॉर एग्जाम्पल कुछ मूवी आप रन करना चाहते हो तो फिर उसके लिए हम लोग की जरूरत होती है मीडिया प्लेयर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक फ्लैश मीडिया प्लेयर टूल बुक में ऑलरेडी है, अवेलेबल है. जैसे ये फ्लैश मीडिया प्लेयर है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्रैग किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग. व्हाट इज द मीडिया सोर्स, मतलब क्या फ्लैश आप रन करना चाहते हैं, कौन सी मीडिया आप रन करना चाहते हैं, कौन सी फाइल है आप रन करना चाहते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो ऑटोमेटिकली इट विल कम कि डेस्कटॉप में कहां पर आपके पाथ्स में आपको देना पड़ेगा कि कहां पर आपके पड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सो दिस इज द मीडिया प्लेयर आई हैव गिवन. ठीक है, मैं दोनों चीजें दिखाती हूँ आपको. यहां पर मैं एक चीज क्लिक करूंगी ऑटो स्टार्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट. और अदरवाइज क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हमें प्रोग्राम लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना. ये तो एक हो सकती है कि जैसे आप पेज को रन करोगे ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट. अदरवाइज क्या करना पड़ेगा कि इट विल नॉट स्टार्ट बट यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम इन द बैक कि वो मीडिया क्लिप में जब आप क्लिक करेंगे देन ऑन क्लिक दिस मीडिया फाइल विल रन. ठीक है, अभी तो हम लोग प्रोग्रामिंग सीखे नहीं तो फिर मैंने पहले क्या करूंगी, यहां पर ऑटो स्टार्ट में क्लिक कर रही हूं. ठीक है, ऑटो स्टार्ट में जैसे हमने क्लिक किया और फॉर एग्जांपल इफ वी रन दिस, अब ऑटोमेटिकली दिस मीडिया प्लेयर जो है, फ्लैश जो है, ये रन कर जाएगा. ऊपर वाला रन किया नहीं हम, मेरा क्यों नहीं किया, मैंने अभी पीछे प्रोग्रामिंग नहीं लिखी, मैंने तो सिर्फ मीडिया फाइल को हमने सिर्फ जोड़ा उसके साथ, बट उस मीडिया फाइल को क्लिक में वो मीडिया रन करनी है that we have not written the program. तो इसीलिए मैंने दोनों दिखाया, एक में हमने ऑटो स्टार्ट को क्लिक किया, एक में हमने ऑटो स्टार्ट को क्लिक नहीं किया. ठीक है, सो मीडिया प्लेयर ऐसे जैसे हमने फ्लैश रन किया ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेयर्स अवेलेबल हैं. आप देखिए वीडियो प्लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर वीडियो जितने सारे यहाँ पे ऑडियो फाइल्स हैं, ऑडियो क्लिक, ऑडियो हॉटवर्ड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया फाइल्स आर अवेलेबल. यूनिवर्सल मीडिया प्लेयर है, तो जो भी मीडिया प्लेयर रन करके आप जिसके साथ आप जोड़ेंगे तो वो दैट मीडिया प्लेयर विल रन. एक है नेविगेशन ऑब्जेक्ट्स. नेविगेशन ऑब्जेक्ट बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, टू नेविगेट, आगे पीछे जाने के लिए. हम लोगों ने क्या करते हैं, बटन के क्लिक में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन राइट हियर, बट ऑलरेडी यहाँ पे नेविगेशनल ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं. हमने कितने पेजेस बनाए, दो पेजेस, ठीक है, टू पेजेस बनाए, पहले एक पेज और दिस इज वन पेज. इस पेज में हम लोग फॉर एग्जाम्पल नेविगेशनल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दिस इज योर प्रीवियस पेज में जाने के लिए. यहाँ पर सिर्फ हमने एक क्लिक कर दिया, यू जस्ट से ओके, ऑटोमेटिकली इट विल कम प्रीवियस. ठीक है, जो हमारे फर्स्ट पेज थे इसमें हम लोग दे देते हैं नेक्स्ट. ठीक है, अब वी विल रन दिस प्रोग्राम. अब देखिए जैसे हमें नेक्स्ट करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल कम टू द नेक्स्ट पेज, जैसे हम लोग प्रीवियस करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द प्रीवियस पेज. ठीक है, ये चीज हम लोग प्रोग्राम भी लिख सकते हैं. प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बटन्स. ये बटन है एक, ये तो बने बनाए बटन्स हैं, बट वी कैन राइट अवर ओन प्रोग्राम्स ऑल्सो. हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, वी विल गो टू द ऑथर पेज अगेन. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट पेज, लेट अस मेक द बटन्स. अभी आपके नेविगेशनल ऑब्जेक्ट्स पता लग गया, नेविगेशनल ऑब्जेक्ट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेविगेशनल ऑब्जेक्ट्स, मैं बाद में दिखा दूंगी. सिमिलर बटन्स वी कैन मेक, दीज आर द बटन्स. ठीक है, बटन्स के अगेंस्ट आप कुछ भी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, इसमें हमने नाम दे दिया प्रॉपर्टीज विंडो में, लेट अस गिव द नेम, नेम तो कमांड वन या कमांड टू रख लो, जो कैप्शंस हैं वो चेंज करनी है हमें, इसमें आपके होगा कैप्शंस, इसमें हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन, सॉरी I have written my own button, that is your next. अभी कुछ नहीं करेगा ये next button. I have not written the program. ठीक है, program कहां पर लिखते हैं हम लोग, इसी को क्लिक करके राइट बटन जब क्लिक करेंगे, ये जो येलो कलर की आपके सिंबल आती है, दैट इज टू राइट द एक्शंस, एक्शन स्क्रिप्ट जब आप लिखना चाहेंगे, दैट टाइम वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस. जैसे हमने एक्शन स्क्रिप्ट क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग ऑन क्लिक, डिफॉल्ट है ये, ठीक है, ऑन क्लिक. What we have to do? We have to do some action. What action? You insert the action. You come to insert, you say action. Action में भी बहुत सारे grouping बने हुए हैं. You want prompt, you want comment, you want to navigate. क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग क्या चाहते हैं? Navigate to the next page. ठीक है, हम लोग यहां पर आ जाएंगे navigation पे. Navigation पे क्या है? Go to page. Go to page मतलब directly you can just click, then it will come go to page options में आ जाएंगे, right? Go to page में it is giving the select the specific page, जो page में आप जाना चाहते हो. अभी हम लोग first page में हैं, हम लोग कौन से page में जाना चाहते हैं? P2 में. आपको पता होगा मैंने एक बार page का numbering दिया था P2, ठीक है, इस कारण के दिया था कि so that we can know that in which page we want to go, ठीक है. If we give a P2, then you say okay, then this is my action. जब आप ओके करेंगे क्लोज करना चाहतेंगे, इट विल आस्क यू कि आप बाइंड करना